बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज न्यू सिलेबस ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स वर्कबुक 6A, चैप्टर नंबर 2, एंगल्स इन ज्योमेट्रिक फिगर्स की वर्कशीट 1B, फाइंडिंग अननोन एंगल्स का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, हमने ये स्टार्ट कर दिया था कि हमारे पास अगर डिफरेंट शेप्स हों, फोर साइडेड फिगर्स जिसके फोर साइड्स हों, तो उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास एक अदद पैरेललोग्राम है। पता कैसे चल रहा है? ये एरोज इंडिकेट कर रहे हैं कि ऑपोजिट जो साइड्स हैं पैरेलल हैं। इसी तरह से यहाँ पर साइड ए बी और डी सी, ये भी जो है वो पैरेलल साइड्स हैं। ये एरोज हमें बता रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये फोर साइडेड फिगर हमारे पास पैरेललोग्राम है। और यहाँ पर इन्होंने लिखकर भी दिया है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम एंड सी ई एफ इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा सा एडजेसेंट सी ई एफ जो है हमारे पास ट्राइंगल है, और वो भी कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलिस ट्राइंगल है, यानी कि उसके दो साइड्स हमारे पास इक्वल हैं। तो ये जो दो एंगल्स होंगे, ये भी, ये इसके ऑपोजिट और इसके ऑपोजिट, ये दोनों भी हमारे पास जो है वो सेम होंगे, ठीक है। तो अब उसके अंदर हमारे पास ये कह रहे हैं कि ए सी एफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ए सी एफ ये एक लाइन है। इसी तरह से बी सी ई ये वाली जो लाइन है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि ये आप देख सकते हो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलकर कुछ इस तरह का एक्स बना रहे हैं, ठीक है। और हम ये पढ़ चुके हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइंस किसी पॉइंट पर मीट करती हैं तो जो दो ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। इनको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसलिए ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, इसी तरह से ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा कि अगर एंगल आर पता चल जाएगा तो उसके ऑपोजिट एंगल उसी के बराबर होगा। इसी तरह से हमारे पास अगर ये वाला एंगल हमें पता चल जाएगा तो इसके ऑपोजिट में एंगल सी हमारे पास बराबर होगा। अब यहां पर हमसे कह रहे हैं कि एंगल ए बी सी, यानी ये वाला जो एंगल है, ये बराबर है कितना? 75 डिग्री के। कौन सा वाला एंगल? ये वाला एंगल ए बी सी, यानी बीच में जो मिडिल है वो बी एंगल 75 डिग्रीज है। और ए सी डी और बी ए सी, ये दोनों बराबर हैं एंगल्स, और ये दोनों कितने हैं? 65 डिग्रीज ईच। कौन कौन से एंगल्स? ए सी डी, ए सी डी ये वाला एंगल, और इसी तरह से बी ए सी, ये दोनों आप देख सकते हो कि ये दोनों हमारे पास 65 डिग्रीज हैं। अब हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है ये एंगल आर, और हमें मालूम करना है ये एंगल एस। तो आसान सी बात है बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं है। एंगल आर तो आप बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये एक एनक्लोज्ड हमारे पास ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल्स ऑलरेडी हमें गिवन है। और ट्राइंगल के अंदर जहां दो एंगल्स गिवन हो, तीसरा एंगल निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं होता। वजह उसकी ये है कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जब तीनों का सम 180 डिग्री होगा तो 180 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है 65 को और 75 डिग्रीज को। तो जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों मिलकर बनते हैं 140। 140 को जब 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। इसका मतलब है एंगल आर तो आपको पता चल गया कि ये आपके पास 40 डिग्रीज है। और जैसे ही बच्चों एंगल आर पता चला, तो हमने ये पहले ही पता लगा लिया था कि ये दोनों एंगल्स हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्रॉसिंग लाइन बी सी ई और ए सी एफ के अंदर बन रहे हैं। तो अगर ये वाला एंगल आर पता चल जाएगा तो ये वाला एंगल खुद ब खुद पता चल जाएगा, ये भी हमारे पास 40 डिग्रीज होगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल एफ सी ई इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू 40 डिग्रीज, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल मुझे पता चल गया, बाकी दोनों एंगल्स बराबर हैं। तो बच्चों हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर एक एंगल कितने का होगा? वेरी गुड, जब दो एंगल्स बराबर हैं और जो तीसरा एंगल बराबर नहीं है वो पता है, तो वेरी इजी कि एंगल एस हमारे पास बराबर होगा यहां पर किसके। आपने यहां पर सिंपली क्या करना है, 180 में से माइनस करना है 40 डिग्रीज को और इस पूरे को डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 180 में से जब 40 डिग्रीज हम निकालेंगे तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो बराबर होगा इन दोनों एंगल्स के, और जब ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो एक एंगल कितना होगा? हाफ होगा। तो हमने यहां पर यही किया है बच्चों कि 180 में से हमने 40 डिग्रीज को जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास यहां पर आ गया 140 डिग्रीज। और 140 डिग्रीज जब दो एंगल्स बराबर मिलकर बन रहे हैं तो एक एंगल कितना होगा? डिवाइड करके देख लो 2 से, 2 7 14, तो इसका
मतलब ये हो गया कि एक एंगल हमारे पास यहाँ पर 70 डिग्रीज का होगा। इसी तरह से ये बन जाएगा हमारे पास 70 + 70 = 140, 140 + 40 = 180 डिग्रीज। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, इसके अंदर हमने कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशंस, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं की, सिर्फ थोड़े से बेसिक कंसेप्ट्स को हमने यूज़ किया और इस क्वेश्चन को हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।